नमस्कार भाइयों, जय गोमाता, जय गोपाल। इस लंपी बीमारी ने राजस्थान की गोमाताओं को बहुत कष्ट दिया। इस बार लाखों गोवंश हमें छोड़कर चला गया और गायों ने बहुत दुख भरी स्थिति को सहन किया है। ऐसी स्थिति है कि आप देख भी नहीं सकते। किसानों की भी बहुत बुरी हालत है। लोगों के घरों में जो एक दो गोवंश था वो भी उन्हें छोड़ के चला गया। ऐसे दुख के पल आज तक जीवन में देखने को नहीं मिले। हर तरफ दुखियारी गाय ही दिखती है। इसी बीच कुछ किसानों से बातचीत हुई, उनसे जाना कि भी क्या स्थिति है वास्तविक। हर तरफ मृत गोमाताएं दिख रही है, जानते हैं कुछ किसानों से। जय माता जी। कई नाम है आप लोग? रतन सिंह। रतन सिंह जी, गांव का नाम क्या? रतन सिंह जी आपके? नेतड़ा गांव है ना। रतन सिंह जी, आपका एक काम काज करिया करो। गाय भैर खेती बाड़ी रोज काम है, मुख्य काम खेती बाड़ी और गाय भैर का ही है। लंपी बीमारी में आपके गाँव नेवरा ग्राम पंचायत में कितनी गाय मर गई? चार 500 गाय ज्यादा मिली है। पूरी जेसीबी लगाई हुई है गायों को दफनाने के लिए। जहाँ जाता है वो गायों की लाशें दिख रही है। ये स्थिति है एक ग्राम पंचायत की। पूरे राजस्थान में गिनती करो 40,000 गांव आते हैं। तो आपके घर की क्या स्थिति है? दो गाय आपकी खत्म हो गई। कितनी गाय थी आपके घर पे? चार गाय होती, दो खत्म हो गई। बढ़िया गाय ब्याने वाली जो थी वो खत्म हो गई। तो आपका घर कितना निर्भर था गायों के ऊपर? पूरा गाय माती जैत दिन दो काम वही चले। तो जैसी स्थिति आपके घर की है वैसी कितने घरों की स्थिति है आज आपके गाँव में? गाँव में तो करीबन सब गाय माते हैं, खेती बाड़ी माती जैसे सबके घरों में गाय खत्म हो गई। बार बार परिवार गाय 7-8 गाय खत्म हो गई। आपके परिवार में 8 गाय खत्म हो गई। बहुत हालत मतलब बहुत खराब है। तो आप कैसा मतलब ये चीज़ों से बाद में क्या महसूस कर रहे हो? घर जाते हो तो या घरवाली का या माता जी का क्या भाव है आपके? बहुत सब परेशान है सर। और सब नहीं कर सकते। और कितना मूल्य नहीं गाय थी? हालांकि गोमाता रो कोई मूल्य नहीं है। कितना लाया था? तो 5 साल पहले 30,000 रुपये। 30,000 कितना दूध? 6 लीटर दूध। आप कई कई कोशिश करी उन्होंने बच्चों वास्ते? बहुत सर, डॉक्टर साहब ने भी बुलाया, दवाएं भी दी रही, मेडिकल देसी हर जगह भी इलाज किया, स्नान भी कराए और सब क्रिया सारे ट्रीटमेंट इन्होंने किए और सारा ध्यान रखने की कोशिश की गोमाता की। तो ये हालत है गाँव की। ये तो एक गाँव ग्राम पंचायत की बात करता हूँ, वहाँ की स्थिति है। आज जहाँ जाते हैं वहाँ लंपी से ग्रसित, जहाँ से लंपी निकल गई वहाँ पे घाव इन्फेक्शन उनके कारण गाय मर रही है। हर घर की यही स्थिति है गाँव की। तो एक तो ये एक किसान से बातचीत है, ऐसी बातचीत अगर आप आके सुनोगे तो आप किसी को अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे। और एक गांव की स्थिति कहूँ तो नेवरा ग्राम पंचायत छोटी सी ग्राम पंचायत, कितने घर होंगे आपके गाँव में? 3500 वोट है। और वहाँ पर अगर 400-500 गाय खत्म हुई है तो फिर क्या सरकारी आंकड़े 15,000-20,000-25,000 6,000-7,000 जो भी सरकार तो बोलती भी नहीं कितनी गाय मरी है तो वो क्या संख्या होगी? ये तो जो गिनती है बाकी खुले में पड़ी वो लोग छोड़ दो, बाजार गए लगभग देखो तो। सरकार की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है? कोई नहीं, बाकी कोई नहीं, कोई मुआवजा नहीं। डॉक्टर साहब फोन करते आ जावे या फिर टाइम लगे? डॉक्टर साहब नहीं फोन करते आ जावे, नहीं वो बैठने दिन का तो एक धर्म होता है, वो तो अपनी मेहनत करे पड़े सब जगह स्थिति। मंडी के बाद में गाय का क्या कितने दिन में उठा रहे हैं? हाँ तो आज लिखा सर, मैंने कट लिखा नाव का जगह वे सुनसान आ गई लगभग जैसी भी लगा डी जैसी भी ठीक। ये विकट हालत है। मतलब मेरा कहने का आशय यही है कि राजस्थान के हर गाँव की ये हालत है। तो सरकारें जागे, कोशिश करें, हम तो सभी अपना प्रयास कर रहे हैं और आप सभी का भी साथ मिलता है। एक मिशन के तहत जुड़ जाए सभी, तभी गाय बचा पाएंगे। जय गोमाता।